ईद आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ, अभी नमाज पढ़ के उठी हूँ, नाश्ता दी हूँ। अमीना रेडी हो रही है, कैसा लग रहा है बताना। अभी भी लोड का नाड़ी बनने की है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, सब नाश्ते पे आए हैं। देखिए सब आए ईद मिलने के लिए, हो गया है नाश्ता। और कैसा लग रहा है मेरा घर बताइएगा। अभी यहाँ पर पूरा सजेगा बुफे, इनके आएंगे सर। और यहाँ प्लांट लगे हुए हैं, कैसे सजाया है हम लोगों ने बताइएगा जरूर कमेंट में, कैसा लग रहा है हमारा घर। और ये मेरे कर्टन से देखे, अमीना तो मिलती हूँ फ्रेंड्स आपको थोड़ी देर से। तो फ्रेंड्स हो चुकी है शाम, दिन भर में हमें टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का, क्योंकि इनके ऑफिस के सर लोग भी थे। और अब हम जा रहे हैं बुलबुल की तरह, जाना था सुबह ही मगर टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी, तो अभी हम जा रहे हैं। बेटा मेरे भी अच्छा रुक जा, अमीना सुनती सैंडल के लिए बोल रही हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं बुलबुल से मिलने। अम्बू मेरा भी ले लेना बेटा, अम्बू। तो हम लोग छोड़ के जा रहे हैं अम्मी और मम्मी को दोनों को, और हम लोग सब जा रहे हैं बुलबुल से मिलने। तो मिलते हैं वहाँ पे बुलबुल, आयशा और माँ हमसे, ठीक है। आ गए हम लोग सब बुलबुल के घर, और बेचारी माँ हम सो रही थी और हम लोग आ गए। अब रोना चालू इसका, बुलबुल गए हैं बेचारा। आपको मिलती है बुलबुल के आने के। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग जा रहे हैं शाइन भाभी के इधर। मेरा कल का व्लॉग मैंने एंड नहीं किया था, मुजीब आया है, आसिफ आया है लेने के लिए, जहरा हाय। और इधर कैब भाई बैठे हैं अल्फिया से बात करते हुए, अल्फिया को दिख जाएगा बाद में। तो हम लोग निकल रहे हैं, अजान हो रही है, मैं आपको मिलती हूँ शाइन भाभी के इधर। अमीना नहीं आ रही है, मिलती हूँ आपको। रोशन भाभी वेट कर रहे हैं, हाँ तैयार। यहाँ पर कल्लो नहीं है, है ही नहीं। और ये आसिफ और मुजीब आए हैं लेने के लिए, आसिफ कार लेके आया है, भाभी ने भेजे शाइन भाभी ने। ये पता नहीं हमारे घर के लड़कों को व्लॉग में आने के लिए क्या हो जाता है। हाय फ्रेंड, ईद मुबारक कर रहा था कल भी नहीं कर रहा था। इधर साइड अच्छा, ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक। तो मिलते हो आपको शाइन भाभी के इधर पे, सब है जमा, सब मजा करेंगे। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। कल सब भी बहुत बिजी थे तो किसी ने भी ईद मुबारक नहीं करे, और सभी थके हुए भी बहुत थे। आज सबने रेस्ट किया है थोड़ा थोड़ा, हमने नहीं किया है। मैं 15 मिनट सोई थी आज, और तुम सोए नहीं हो। 9 बजे उठी, सोवा भी सोए नहीं। 15 मिनट में सोई थी दोपहर में, अभी तुम्हारे फोन आने का शाम में, वो भी दोपहर में नहीं। आज भी हमारा किसी को टिफिन ऑफिस वालों को पहुँचाने का था, और फिर सफाई, कल कपड़े नहीं धुले थे कपड़े, और फिर हस्बैंड लोग आ गए शाम में उनका देख के। तो खैर ये तो सभी के घर का रूटीन है, ये तो चलते ही रहता है। तो चलो मिलती हूँ आपको शाइन भाभी के इधर, जहाँ बुलबुल आयशा सब पहुँच चुके हैं। देखे खाला कैसे करते मेरे साथ, देखे कैसे करते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे कर रहे। तो शाइन भाभी की मम्मी है, और ये शाइन भाभी है। हम लोग आए हैं इनके घर दावत में। मेकअप कर लिया आज तुमने, बहुत अच्छी लग रही। वालेकुम अस्सलाम, फज्जू की इजाजत है ना, फज्जू की इजाजत है ना वीडियो में आने की। अरे मैं
बारिश में मैं भी लगवाऊंगी। वालेकुम सलाम। तुम्हारा है चौथा ये भी है ना दूसरे पे? नहीं एक दो तीन चौथा दुआ दे देंगे। ये पूछना उनको लगे उनको पूछना। अरे प्लेट टूट जाएंगी खत्म। वो भैया ने बोले थे ना प्लेट अटकेंगी। भैया वो हटेंगी चाली लगेगा उसको। आयशा की लग रही है पीछे लग रही है सामने लग रही है। आयशा को बहुत जोर से भूख लगी तो पैसे खाई नहीं है। आयशा पहले ही निपटा रही है चिकन बिरयानी। आयशा मटन बिरयानी कब खाएगी? थोड़ी देर में। बच्ची संभाल रही थी ना वो उसने खाना नहीं खाता। और ये बेचारी आसिया रोटी बना रही है अम्मी के लिए। ये दोनों अम्मी और मम्मी है ना इन लोग रोटी खाते थे लोग लिए रोटी बन रही है। आसिया बना रही है बेचारी गर्मी में बन चुकी है बोलते। और ये है चिकन बिरयानी वो है मटन बिरयानी। ये चिकन बिरयानी रोशन भाभी बनाया है। मटन बिरयानी बुलबुल बनाया। देखो शाइन भाभी को देखो हम लोग को छोड़ के निपटा दिए। और ये भाभी और वलिया बाहर से आ रहे पड़ोसियों को देखे। और यहाँ गेस्ट आए हुए वो लोग खा रहे मुझे पसंद। ये बुलबुल सर्व कर रहे हैं। बिरयानी दिखाना जरा कैसी है। पकड़ो ना चालू है ना। हाँ ना। एकदम मत भरना हो चावल में गिरे ना बिरयानी। दूसरा कटोरा शिरकुरमा हमारे घर के सिवा कहीं अच्छा नहीं बनता। मेरा तो अपन लोगों के घर का जो बनता है ना वो कहीं नहीं बनता। अपन लोगों के घर के जो बनते ना ए छमड़ा किधर देख फोन दे दो बस उसको। ये इसकी आदत डाली है सारी। ये नानी से डेंजर है बाबा। पता तो चल रहा है अभी तक खाओ खाओ नहीं अब बहुत हो गया इसका नाटक। तो फ्रेंड्स रात की 11 बज गया है और वो झिंगुर जो मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ था आने के टाइम में वो जो अब आवाज कर रहा है आपको हजार होगी। हाँ वो जो झिंगुर की आवाज आ रही है ना मैं आ रही थी ना जब मेरे मुंह पे चढ़ा था इसका ढक्कन कहाँ रखा। तो अब हम जा रहे हैं घर। ये मेरा फिर से देखो पसीना बहुत बहुत गर्मी है यहाँ नागपुर में और भाभी के इधर बहुत ही गर्मी हो रही है। तो मिलती हूँ आपको घर पर। आज का व्लॉग यहीं खत्म करती हूँ। ये सीढ़ी देखने बोल रहे दिख रही है जो ऊपर जाके एंड हो गई है ना। अरे वो अंधेरे में नहीं दिखेगी। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स आपको घर पर। आइएगा आज हमारी दावत शाइन भाभी के इधर।
मिलती हूँ आपको कल के नए ब्लॉग के साथ, और कॉमेंट जरूर याद रखिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।